आज मेरी ये जो चेरी का प्लांट है इस पर मैं यूज़ करूँगी। देखो ये जो संतरे के छिलके हैं उसका पाउडर मैं अब मेरी ये चेरी का प्लांट पे यूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें अभी चेरी में फ्रूटिंग की टाइम हो गई है। तो आप बहुत ही इजी तरीके से दे सकते हो, जो संतरे के छिलके हैं उसको आप थोड़ी सी गुड़ाई करके मिट्टी की, पॉट की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करो। मैं तो चेरी के प्लांट पे दे रही हूँ, आप किसी भी प्लांट पे इसको यूज़ कर सकते हो। देखो चारों तरफ से ऐसे थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करके, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे गुड़ाई करके, कुछ भी नहीं करना है। आप सिर्फ संतरे के छिलके की जो पाउडर है इसको आप ऐसे दे दो, उसके बाद आप इसे वाटरिंग कर दो। इसको मिला के, ऐसे मिला के आप इसको वाटरिंग कर दो, हो गई, फिर वाटरिंग कर दो, उसके बाद आपकी अपने आप ही एब्जॉर्ब होके मिट्टी के साथ मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सीमा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करती हूं मेरे सभी दोस्त बहुत ही अच्छे हो। इस आशा के साथ अपनी वीडियो शुरू करती हूं हर रोज़। तो मेरा टॉपिक आज आपके साथ संतरे के छिलके के बारे में मैं बात करूंगी। इसको आप कैसे दे सकते हो, क्या ये सही है देना, इसी बारे में मैं बात करूंगी आपसे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है छोटा सा, प्लीज़ किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी ये जो संतरे के छिलके ऑरेंज पील, इसके बारे में बात करूंगी। ये बहुत ही अच्छी होती है, जैसे स्किन के लिए, ये खाने में भी बहुत अच्छी होती है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है और प्लांट्स के लिए भी बहुत अच्छी है। लेकिन हमको अगर पता ना हो तो हम क्या करते थे, फेंक देते थे। 2-3 साल पहले मैं भी इसको फेंक देती थी, कोई काम में नहीं लाती थी। लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो अभी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है आपके प्लांट्स के लिए, ये पता चल गया है मुझे। तो इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो, ये बात आपके साथ भी शेयर कर लूँ। हालांकि मैंने इसकी और एक वीडियो मैंने डाल चुकी हूँ, इसको पाउडर कैसे बनाते हैं। तो इसको देने का तरीका बहुत सारी, ऐसे आप बहुत सारी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको ड्राई करके आप पाउडर भी बना सकते हो। देखो मैंने पाउडर बना लिया, एक डब्बा बनाया था, पूरा प्लांट्स में दे दिया और अभी ख़त्म होने वाली है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप इसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ा करके आप इसको धूप में सुखा दो। सुखाने के बाद क्या करोगे, आप ग्राइंड में लेके आप इसको ऐसे पाउडर बना दो। इसके बाद आप, अगर आपको जब भी ज़रूरत पड़े आपके प्लांट्स के फर्टिलाइजिंग करने की, तो आप इसकी थोड़ा सा आप प्लांट्स पे, आप प्लांट्स की मिट्टी पे आप दे दो। फुल्ली ऑर्गेनिक है तो इसीलिए आप प्लांट्स के कोई भी नुकसान भी नहीं होता। और इसके जो फ़ायदे, बहुत सारे फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। आपको तो पता है संतरे के छिलके विटामिन सी से भरपूर होती है, विटामिन ए के, बहुत सारे न्यूट्रिशन है इस पर भरपूर है। तो आपके प्लांट्स की ग्रोथ में मदद करती है, आपके प्लांट्स पे फ्लावरिंग में मदद करती है, फ्रूटिंग में मदद करती है। तो हम इसको क्यों फेंकें, जो कि एकदम फ्री हमको मिल रहा है, ठीक है। तो पहली बात गई है, आप इसको पाउडर की फॉर्म में दे सकते हो। दूसरी बात है, आप इसको देखो, मैंने इसको लगभग 2 दिन पहले इसको भिगो के रखा, 2 दिन हुआ है इसको भिगोए, और इसकी जो पानी का कलर है देखो एकदम चेंज हो गई है, ठीक है। तो इसको आप पानी में ऐसे भिगो के रखो, उस पानी को आप प्लांट्स में डायरेक्ट ही दे सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक है, प्लांट्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता। तो इसको भी आप ऐसे दे सकते हो। दो तरीका है कि आप इसको भिगो के नॉर्मल वाटर में, आप इसको 2 दिन के लिए ऐसे छोटे छोटे टुकड़ा करके आप इसको अंदर इसके रख दो, उसके बाद 2 दिन बाद आप इस पानी को नॉर्मल वाटर में मिला के दे सकते हो, या फिर खाली भी दे सकते हो, कोई भी नुकसान नहीं होता। तो इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी एक पेस्टिसाइड भी है, अगर आपके प्लांट्स में इंसेक्ट का अटैक हो रखा है, कोई भी पेस्ट आपके प्लांट्स में है, तो आप इसको, इस पानी को आप नॉर्मल वाटर में मिला के आप इसको, सिर्फ कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप अपने जो प्लांट्स है उस पर आप ऐसे स्प्रे करके भी दे सकते हो प्लांट्स के ऊपर ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि मिर्ची के प्लांट में बहुत जल्दी इंसेक्ट लग जाता है, तो आप दे सकते हो, सभी प्लांट में आप इस यूज़ कर सकते हो। और फिर आती हूँ फ्रेंड्स, देखो मैंने ये जो आप देख रहे हो, ये जो बॉटल है, ये सभी संतरे के छिलके हैं, अभी ये पूरा ही गल गया है। तो ये जो संतरे, ये बॉटल जो आप देख रहे हो, ये लगभग 3 महीने पहले मैंने इसको, इस पर संतरे के छिलके मैंने इस पर डाले थे पानी, तो ये एक बहुत ही अच्छी बायो एंजाइम बन गई है। लेकिन इसको बनाने का तरीका, इसको यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है इसको यूज़ करने में, ठीक है। वैसे तो अगर आप ऐसे डायरेक्ट भी दे सकते हो प्लांट्स में, कोई भी नुकसान नहीं होता। लेकिन ये जो मैंने देखो बायो एंजाइम, सिट्रस बायो एंजाइम बन गई है, एकदम गल गई है, ठीक है। तो इसको अगर आप देते हो तो थोड़ी सी आपको केयरफुली देना पड़ता है, क्योंकि ये जो है एकदम इस पर देखो पूरा ही गल गया है, पूरा ही एकदम पानी के साथ मिल गया है। तो इसको देने का तरीका जो है, अगर आप इसको ऐसे बना के देते हो,
तो इसको आप एक एकदम बहुत ही 1 टीस्पून जो चाय के लिए हम चीनी लेते हैं ऐसे स्पून से आप 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 चम्मच आप मिला के उसके बाद आप इसको दे सकते हो। एकदम अपना दिन एकदम डायरेक्ट इसको नहीं दे सकते क्योंकि इस पे जो है थोड़ी सी एसिडिक हो गई है ये पानी की, तो इस पानी को आप नॉर्मल वाटर में मिला के ही आप इसको दे सकते हो। अगर इसको कैसे बनाना है इसकी इसको आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे बताना, तो मैं इसकी वीडियो भी मैं डालूँगी। और बहुत ही अच्छी बायो एंजाइम है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करती है, प्लांट्स को हेल्दी करने में मदद करती है। और सिर्फ ये नहीं, प्लांट्स के लिए ही नहीं, ये जो एंजाइम बन गई है कई कई लोग इस एंजाइम को पानी के साथ नॉर्मल वाटर में मिला के घर पोछा के लिए भी यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के बाद भी यूज़ करते हैं, और ऐसे स्प्रे भी करते हैं रूम फ्रेशनर के लिए, क्योंकि इससे जो है दूसरी अगर आप कोई भी छिलका आप ऐसे एंजाइम के लिए रखो तो बहुत ज़्यादा बदबू आती है, लेकिन इससे कोई भी बदबू नहीं आती। इसको ऐसे आप भिगो के ऐसे आप रख सकते हो 3 महीने के लिए, लेकिन इसको बनाने का तरीका अलग है, ठीक है। इसको आप फुल वाटर में एकदम पूरा बॉटल भर के आप पानी नहीं दे सकते हो तो बॉटल फट जाएगी, और क्योंकि ये थोड़ी इस पे देखो गैस से भर जाती है, तो इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, बना के आप अपने प्लांट्स पे यूज़ कर सकते हो जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और प्लांट्स की जो मिट्टी है उसकी जो पीएच लेवल है मिट्टी की पीएच लेवल को एकदम अच्छा करने में मदद करती है क्योंकि विटामिन सी से भरपूर होती है, जो कि आपके प्लांट्स की जो फ्लावरिंग प्लांट है क्योंकि अभी विंटर आने वाली है या फिर आ गई है कहीं कहीं जगह पर, हमारे यहाँ भी थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लगी है, तो फ्लावरिंग की जो भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट है उन सभी में अभी फ्लावरिंग खिलना शुरू हो गई है। तो हम घुमा फिरा के वैसे भी हम घुमा फिरा के जो फर्टिलाइजिंग है वाटर जो लिक्विड फर्टिलाइजर डालते रहते हैं, तो इसमें मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव लगता है ये संतरे के छिलके की पानी, और जो कि एकदम इजीली है, इजी बनाना है इसको आप डायरेक्ट ही दे सकते हो, पाउडर बना के भी दे सकते हो, ऐसे लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हो, और फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैसे भी हम इसको फेंक ही देते थे लेकिन हमको नहीं फेंकना है अभी, ये प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक दे देना, और मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।